नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाल। तो इस वक्त दुख भरी खबर जो है भद्रवाह के गुलडंडा से आ रही है और एक गाड़ी जो है बनी सर्तल से भद्रवाह की ओर आ रही थी और ये जैसे गुलडंडा के आसपास पहुंचती है वहां पर इसका हादसा हो जाता है और इस हादसे में जो है 5 लोगों की जान चला जाती है और 7 लोग जो है जख्मी है। उसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचती है और लोकल एनजीओ के लोग पहुंचते हैं और इन लोगों को जो है एम्बुलेंस से शिफ्ट कर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी भद्रवाह का सब हॉस्पिटल है वहां के लिए इलाज के लिए भेजा जाता है। चलिए मेरे साथ पूरी अपडेट के लिए जो है एडवोकेट माजिद मलिक है भद्रवाह से, इन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे। सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? माजिद जी, कहां पर यह हादसा हुआ है और कितने लोगों की जान जा चुकी है इसमें? देखिए, भद्रवाह का जो मशहूर पर्यटक स्थल है जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी गुलडंडा है जो कि भद्रवाह बनी रोड पर है और ये गाड़ी जो थी जिसका नंबर JK06501 ट्रैक्स था, ये बनी सर्कल से भद्रवाह की ओर आ रहा था और जब ये गुलडंडा जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचा और वहां पे स्पीड ऑफ हुआ ये ट्रैक रोड से और 100 मीटर गहरे खाई में जाके गिरा। पे मौका पर ही 5 लोगों की जो है डेथ हुई जबकि 13 अदर जो है वो इंजर्ड हुए हैं। जो ही ये खबर जो है भद्रवाह पहुंची उसके बाद जो लोकल पुलिस थी और जो लोकल प्रशासन था और लोग जो थे वो इमीडिएटली रश हुए गुलडंडा के लिए जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया और 5 डेड बॉडीज को वहां से निकाला गया जबकि इंजर्ड को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह शिफ्ट कर दिया गया है। जो जिनकी कैजुअल्टी हुई है 5 लोगों की उनकी आइडेंटिफिकेशन गुलाम नबी अत्तू सना मोहम्मद अत्तू डोडा के तौर पर हुई है और दूसरा एक विनोद कुमार सना मेला मेला चंद आरो भद्रवा नंबर 3 फिरदोस अहमद सना गुलाम नबी आरो बनिहाल नंबर 4 बरकत अली सना बाबू आरो डोडा और जो 5वां कैजुअलिटी इसकी हुई है उसकी डेथ बॉडी है जो डेड बॉडी है उसकी अभी तक कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 17 लोग जो है गाड़ी में सर आपने कहा कि ये डोडा नंबर की गाड़ी है और लगभग 17 लोगों की आपने पुष्टि की इसमें कि इसमें 17 लोग सवार थे और कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को इसमें चढ़ाया गया था और इसमें से जो है 12 लोग जो है इसके हादसे के शिकार हुए हैं जिसमें 5 की जान जा चुकी है और 7 जो है जख्मी है। क्या कारण लगता है आपको इसका? देखिए, ये अभी जो रोड है भद्रवाह चंबा और सॉरी भद्रवाह बनी और पठानकोट नेशनल हाईवे है, ऑफिशियली तौर पर इस रोड को खोला नहीं गया है। हम कई वर्षों से बात भी कर रहे हैं, अनुमान भी करते हैं कि ऑफिशियली जो रोड बनकर तैयार हो चुकी है किसके पोजिशन में है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन में ये रोड जो है आती है, लेकिन कोई प्रयास जो है ना तो प्रशासन के द्वारा और ना सरकार के द्वारा इसको ऑफिशियली खोलने के लिए किया गया है। इसके बावजूद भी कई लोकप्रिय पर्यटक सफल जो है इस रोड पर है और कोई भी इस रोड पे अगर आप जाएंगे भद्रवाह से लेके और परसन तक कहीं पे भी ट्रैफिक विभाग की कोई भी आपको लोग जो है दिखाई नहीं देंगे। इसकी वजह से ही जो है ओवर लोडिंग जो भी व्हीकल इस पे जाता है वो ओवर लोडिंग करता है और इसी तरीके से कैपेसिटी से ज्यादा लोग जो पैसेंजर थे वो सवार किए गए थे। इस 70 किलोमीटर जो हाईवे लंबा बनी था है इससे और जिसका रीजन जो ये लास्ट में हुआ और ये कैजुअलिटी जो हुई और ये एक्सीडेंट जो है अकवर हुआ और कोई ट्रैफिक पुलिस की कोई वहां पे कोई नफरी होती कोई नाटक ट्रैफिक पुलिस विभाग का होता तो इस तरह के इस हादसे को जो है टाला जा सकता था, लेकिन एक तो रोड पास नहीं है, दूसरा कोई भी इस रोड पर कहीं पर भी कोई भी ट्रैफिक पुलिस का कोई नाका नहीं है जहाँ पे इसको चेक किया जाए कितने लोग सवार है। डेली बेसिस पे ये ट्रैक जो था ये सर्कल बनी इसे पैसेंजर्स को भद्रवाह से जाता था और भद्रवाह से सर्कल रोड बनी के लिए जाता था। चलिए माजी जी, शुक्रिया आपका। ये थे एडवोकेट माजिद मलिक भद्रवाह से, जिस तरह से इन्होंने अपडेट जो है सामने रखी कि कितने लोग जो है इसमें सवार थे और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस गाड़ी में जो थे 7 लोग जो है जख्मी हो चुके हैं और उनकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखूंगा। जिस तरह से गाड़ी का नंबर JK06 और 5071 इस गाड़ी का नंबर बताया जा रहा है और 5 लोगों की जो है जान जा चुकी है इसमें और इसमें से जो थे
कोई एक लुडना के रहने वाले हैं, यानी लुडना गुंदना के गुलाम नबी है, और उसके बाद विनोद कुमार, ये जो है भद्रवाह के फिरदौस, सनाब गुलाम अहमद, ये जो है भनिहाल बनी कटुआ के रहने वाले हैं, और बरकत अली, और ये भी जो है डोडा, और पांचवा जो था उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है यानी। और इसके बाद जो सात लोग जख्मी हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो है सीरियस है, उद्यानपुर के रहने वाले इरशाद अहमद सनब, अब्दुल अयूब, इस तरह से जो 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, सीरियस है। और इसके बाद नरेश कुमार सनब मदनलाल, ये किलाड़ तहसील खिलेड़ तहसील बनी कटुआ के रहने वाले हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला सनब मोहम्मद नाइक, ये जो है गुंदना के रहने वाले हैं। और इसके बाद सदीक अली, ये सनब फारूक अहमद, ये जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं, और 24 साल इनकी उम्र है। बिलाल अहमद सनाफ गुलाम रसूल, ये भी जो है गुंदना के रहने वाले हैं। और उसके बाद मोहम्मद शफी, ये भी जो है गुंदना के रहने वाले हैं। तारिक इरफान, ये भी जो है नाल्टी डोडा के रहने वाले हैं। रफीक अहमद, ये भी गुंदना के लिए, ये तमाम लोग जो है घर के लिए वापस आ रहे थे, यानी ये गाड़ी सरतल से बनी सरतल से डोडा के लिए वापस आ रही थी यानी भद्रवाह के लिए, लेकिन जैसे ही गुलडंडा के आसपास वहां पर पहुंचती है हादसे का शिकार हो जाती है। जिस तरह से इसमें बताया गया कि इसमें 17 लोग सवार थे, यानी कैपेसिटी से भी ज्यादा लोग जो है इस गाड़ी में सवार थे। अब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ये सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से एडवोकेट माजिद मलिक ने कहा कि ऑब्वियसली ये जो है रोड अभी पास नहीं की गई है कि अभी गाड़ियां यहाँ से चले या नहीं चले, जिस तरह से उन्होंने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवरों और उन तमाम लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं जो इस तरह से जबरदस्ती भी ड्राइवरों के साथ करते हैं, या फिर ड्राइवर जो है अपने पैसे कमाने के लिए सवारियां भर देते हैं। आप अपनी राय जरूर रखेंगे क्या कारण रहा है, लेकिन 5 लोगों की जो है इसमें जान चला गई है और 7 लोग जो है जख्मी है।